हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त राम और अपन सीखेंगे आज कोरल ड्रॉ में मेन्यू बार के बारे में। और मेन्यू बार में सबसे पहला ऑप्शन आता है फाइल मेन्यू। तो दोस्तों, फाइल मेन्यू के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं विस्तार से। तो मैं कोरल ड्रॉ ओपन कर रहा हूँ और दोस्तों, कोरल ड्रॉ में सबसे महत्वपूर्ण है मेन्यू बार। और मेन्यू बार में सबसे पहला ऑप्शन आता है हमारे पास फाइल मेन्यू। तो मैं आपको कोरल ड्रॉ ओपन हो गया, और कोरल ड्रॉ ओपन होने के बाद सीधे ले चलता हूँ फाइल मेन्यू में। देखिए आपके सामने ओपन होते हैं ऐसा इंटरफेस चालू हो जाएगा। तो इंटरफेस चालू होने पर देखिए सबसे पहले न्यू डॉक्यूमेंट्स। तो अपने यहाँ से सीधे चलते हैं फाइल मेन्यू में। फाइल मेन्यू में चलने के बाद सबसे पहले आता है हमारे पास न्यू। तो दोस्तों, हम यहाँ से फाइल में सबसे ऊपर वाला ऑप्शन न्यू, इसमें अपन कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस एन दबा सकते हैं। तो उससे भी एक नया डॉक्यूमेंट्स ओपन हो जाता है, या डायरेक्ट अपन फाइल में जा करके न्यू पे क्लिक करने पर भी एक नया डॉक्यूमेंट्स ओपन हो जाता है। तो दोस्तों, ये हमारे सामने एक नया डॉक्यूमेंट्स ओपन हो गया है। अपन इसको यहाँ से ओपन होने के बाद कोई से भी फॉर्मेट में चेंज कर सकते हैं, A4 या A4 लेटर या A3 कस्टम लीगल, बहुत सारे ऑप्शन आते हैं इसमें। इसके बाद में आता है न्यू फ्रॉम टेम्पलेट, ये भी अपने काम की नहीं है। इसके आगे वाले ऑप्शन पर चलते हैं अपन ओपन पे। तो दोस्तों, अपन ने पहले से कोई भी फाइल बना रखी है या उसको अपन ओपन करना है, तो यहाँ से फाइल में डायरेक्ट फाइल में जा करके ओपन कर सकते हैं, या कीबोर्ड से कंट्रोल ओ दबा करके भी अपन ओपन कर सकते हैं। तो देखिए, मैंने ओपन किया है तो अपने सामने डेस्कटॉप पे अपन ने कोई भी फाइल अभी अपनी है नहीं, तो सॉरी, आगे वाला ऑप्शन चलते हैं अपन। उसके बाद में आता है अपने क्लोज, क्लोज ऑल, ये अपन जो भी अपन ने बना रखा है उसको क्लोज कर सकते हैं। जैसे अब ये देखिए आपके सामने पेज क्लोज हो गया है। तो मैं वापसी चलते हैं फाइल के अंदर और न्यू पे क्लिक करते हैं और एक पेज ले लेते हैं। उसके बाद में अपन चलते हैं कंट्रोल एस। तो दोस्तों, कंट्रोल एस एक सेव की प्रक्रिया है। तो दोस्तों, अभी देखो इस पे कुछ भी नहीं है पेज के ऊपर, अपन कुछ पेज पे कुछ लेके आते हैं तभी ये सेव का ऑप्शन ओपन होता है, अदरवाइज ये नहीं रहता अगर कुछ भी पेज पर क्लिक कुछ भी पेज पर अपन ने नहीं किया। तो अपन इसको सेव कर लेते हैं, जैसे अपन कर लेते हैं फाइल मेन्यू। तो अपन इसको दे रहे हैं लोकेशन इसकी डेस्कटॉप पे। तो अपन ने डेस्कटॉप पे क्लिक कर लिया है, तो देखिए फाइल मेन्यू नाम शो कर रहा है। इसके अलावा आगे आता है सेव एज का ऑप्शन। तो दोस्तों, अगर अपन डेस्कटॉप के अलावा इसको अगर कॉपी पेस्ट करके नहीं ले जाना चाहते, या अपन डायरेक्ट कहीं भी अभी इसको सेव एज करना चाहते हैं, जैसे फाइल मेन्यू के अलावा इसको अपन करते हैं जैसे पिक्चर्स के अंदर या वीडियोज़ के अंदर, यहाँ पे सेव करते ही ये वहाँ से चली जाएगी। डेस्कटॉप पे तो रहेगी रहेगी, बाकी वहाँ पे भी चली जाएगी। इसके अलावा आता है आगे सर्च कंटेंट, ये भी अपने कुछ काम का नहीं है। एक्वायर इमेज भी अभी कुछ काम की नहीं है। कंट्रोल आई से होती है इम्पोर्ट। दोस्तों, इम्पोर्ट इम्पोर्ट एक अच्छी सी इमेज को ओपन कर सकते हैं, या अपन अच्छे टेक्स्ट या क्लिप आर्ट या अदरवाइज कोई भी, जैसे अपन यहाँ से ले लेते हैं ये फाइल लोगो है हिकविजन का, जो सीसीटीवी कैमरा होता है उसका हिकविजन का लोगो है। अपन इसको ओपन कर लिया और इसको अपन जैसे मान लो अपन JPG में कन्वर्ट करना है, या इसकी फाइल में आगे का ऑप्शन जो आता है अपने पास एक्सपोर्ट का, उसको अपन कोई सा भी फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे JPG, बिड मैप, PNG, AI, PDF, ये सारे कंट्रोल ई से भी ओपन कर सकते हैं, या फाइल में जा करके एक्सपोर्ट पे क्लिक करने पर भी हो जाता है। तो दोस्तों, इसके अलावा अपने पास ऑप्शन आता है एक्सपोर्ट फॉर, एक्सेंड टू, ये अभी अपन कुछ काम की नहीं है। इसके अलावा आगे चलते हैं पब्लिक टू PDF। तो पब्लिक टू PDF में चलते हैं और ये देखिए ये एक PDF
क्रिएट कर लेता है। जैसे अपन ने पहले कोई फाइल बनाई थी, उसके अलावा फाइल टू मेनू के नाम से अपन सेव कर लेते हैं। तो ये हमारे सामने एक, मैं दिखा देता हूँ आपको, ये देखिए फाइल टू के नाम से पीडीएफ सेव हो गया। इसके अलावा आगे चलते हैं अपन प्रिंट पे, तो कंट्रोल पी दबाते ही दोस्तों प्रिंट हो जाता है, या डायरेक्ट फाइल में जा करके प्रिंट करने, प्रिंट पे क्लिक करने पर भी प्रिंट का ऑप्शन आ जाता है। जैसे देखिए मैं प्रिंट पे कर लेता हूँ, तो ये देखिए आपके सामने ये डैशबोर्ड ओपन हो गया। तो अभी अपन को प्रिंट करना नहीं है, तो मैं इसको कलेक्ट उठा देता हूँ। इसके अलावा आता है प्रिंट मर्ज, ये देखिए क्रिएट लोड प्रिंट मर्ज, पर अभी अपन को प्रिंट देना नहीं है, मैं केवल आपको जानकारी दे रहा हूँ। प्रिंट प्रीव्यू के बारे में अभी अपन देख सकते हैं, जैसे अपन को पेज में अगर प्रिंट देना हो तो अपना पेज सेंटर में है या नहीं है, या किस साइडों में कितनी जगह है, तो ये सब कुछ देख सकते हैं। इसके अलावा आता है डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर्टीज़, तो देखिए आपके सामने जैसे अपन ने फाइल का नाम क्या रखा है और कितनी तारीख को अपन ने कितने बजे इसको फाइल बनाई है, या अपन ने कब कब इसको मॉडिफाई कराया है, रैम उसकी साइज, या पेज कितने पेज की फाइल है, ये सब डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर्टीज के अंदर बता देता है। इसके अलावा लास्ट का ऑप्शन आता है एग्जिट, दोस्तों अपन इसको फाइल में जा करके एग्जिट पे भी जा सकते हैं, या फिर एल्ट प्लस F4 भी दबा करके फाइल को बंद कर सकते हैं। जैसे मैंने देखी आपके सामने एग्जिट किया, तो अभी ये मांग रहा है सेव चेंज टू फाइल मेनू, अब ये पूछ रहा है आपको सेव करना है या नहीं करना, तो मैं तो चाहता हूँ इसको सेव करें, तो देखिए मैंने इसको सेव कर दिया, तो अब ये कोरल ड्रॉ बंद हो गया और अपने साथ पास फाइल ये आके ये डेस्कटॉप पे। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियो, अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं लाइक करें।